मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक्सपर्टीज दी, मैनिफेस्टो को एसेस किया, वेट किया, एंटनी जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और सोनिया जी ने भी अपने विचार मैनिफेस्टो पे हमें दिए, तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं, हमारा हार्ट का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था, पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है, और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000, और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला कदम, न्याय का कदम। दूसरा, चिदंबरम जी ने कहा सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, रोजगार और किसान। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा, मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है, मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं। और सच्चाई बड़ी क्लियर है, 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेनर्स के लिए, आज अगर आप एंटरप्रेनरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है, 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए, एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए, आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे, 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के बारे में बोला, बोगस स्कीम है, बेकार स्कीम है, मजाक उड़ाया। आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी, तो हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं, 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। किसान की बात आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया, 10 दिन के अंदर कहा था हम 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर दिया, तो हमारी आप इंटेंशन अच्छी तरह समझ सकते हो। तो किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए
कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो यह हमारा पहला स्टेप। और दूसरा ऐतिहासिक स्टेप, हिस्टोरिकल स्टेप। देखिए, करोड़पति बैंक लोन लेते हैं। आपने देखा अनिल अंबानी जैसे लोग, मेहुल चौकसी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग चोरी करके बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं। मगर जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। तो ये भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा, 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन के लिए हमारा 6% बजट का टारगेट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको रिड्यूस किया है, यूपीए के समय से रिड्यूस किया है। हेल्थ केयर में सरकार एक स्कीम लाई है। बेसिकली स्कीम का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर 10-15 उद्योगपतियों को इंश्योरेंस के माध्यम से उनके जेब में पैसा डालना। तो हम इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर पर भरोसा नहीं करते हैं। हम सरकारी अस्पतालों को, सरकारी पब्लिक हेल्थ को मजबूत करने का काम करेंगे। और हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस हो। तो ये हमारे 5 फोकस एरियाज होंगे। नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी की आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का अपने रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड मालूम है। पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने देश को बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है। और उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, जम्मू कश्मीर में उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। आतंकवाद के जो कैजुअलिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो हम, कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करेगी, देश को एक साथ लाने का काम करेगी। और जो हमारा नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी है उस पे हमारा जबरदस्त फोकस होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष का बहुत बहुत शुक्रिया। अवश्य ही हम निभाएंगे के वादे के साथ इस देश में एक निर्णायक शुरुआत कांग्रेस का 2019 का घोषणा पत्र करेगा। हालांकि एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पत्रकार साथियों के जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जवाब हम बाद में भी देंगे, पर संक्षिप्त में कुछ सवाल इस घोषणा पत्र को लेकर और देश के लिए आगे के रास्ते को लेकर हम लेंगे। कृपया अपना हाथ खड़ा करें तो बारी बारी से फिर हम सवाल पूछ सकेंगे। मिथिलेश जी फ्रॉम इंडिया टीवी। जी राहुल जी नमस्कार, मिथिलेश हूं मैं इंडिया टीवी से। आपसे सवाल है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं लगातार, विधानसभा चुनाव उसमें भी आप गए, आपको क्या लगता है, अभी राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, आप जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं उससे क्या लगता है कि क्या राष्ट्रवाद की बात सुनेंगे लोग या आपकी बात सुनकर अगली सरकार किसकी होगी? मेन मुद्दा
देश में आज रोजगार का है और किसानों की समस्या का है। ये आप सबके सब सर्वे, सबके सब पोलिंग यही दिखा रही है। तीसरी बात, जो इकोनॉमी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, जैम्ड है, और इस बात को सब लोग मानते हैं कि इकोनॉमी, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल अटकी हुई है, फंसी हुई है, तो उसको एक बार फिर चालू करना, उसमें जीएसटी का भी मामला है, उसमें न्याय योजना का मामला है, तो ये तीन चार मुद्दे हैं। और आखिरी भ्रष्टाचार, राफेल और नरेंद्र मोदी जी के जो कंटिन्यूअस नॉनस्टॉप झूठे वायदे। विक्रांत फ्रॉम आज तक। राहुल जी, मैं आज तक से कुमार विक्रांत सिंह, आपसे सवाल यह है कि क्या हम लोग कांग्रेस पार्टी के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से बात कर रहे हैं? और सवाल यह है कि क्या मनरेगा 15 साल हो गए उस योजना को, वो कहां तक पहुंची है आपके हिसाब से, और नई न्याय योजना और मनरेगा दोनों कितने बड़े गेम चेंजर साबित होंगे? क्या हम नए प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर? ये देश के ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी है, मैं तो अपना काम करता हूं। ये सवाल तो आपको देश की जनता से पूछना पड़ेगा। जहां तक मनरेगा की बात है, मनरेगा ने 2009 में हिंदुस्तान की जो ड्रामेटिक ग्रोथ थी उसमें मदद की थी। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछें, तो आपको बताएंगे कि जो पैसा डायरेक्टली रूरल एरियाज में गया था उससे इकोनॉमी फायर हुई थी, स्टार्ट हुई थी। वही लॉजिक न्याय योजना का है। देखिए, हिंदुस्तान में अभी इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स किया, छोटे दुकानदारों पे, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस पे वार किया, तो इकोनॉमी बिल्कुल फंसी है और उसको जंप स्टार्ट करने की जरूरत है, शॉक थेरेपी की जरूरत है। और इसीलिए हम शॉक थेरेपी और डायरेक्ट पैसा हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के जेब में डाल रहे हैं। वो पैसा, जैसे ही वो पैसा उनके जेब में जाएगा, वो चीजें खरीदना शुरू करेंगे। जैसे ही वो चीजें खरीदना शुरू करेंगे, इकोनॉमी फायर होगी, स्टार्ट होगी, और जो हमारे यूपीए के समय ग्रोथ के लेवल्स थे वो ही फिर से हो जाएंगे। क्या माइक पीछे देंगे? अरुण सिंह, अरुण सिंह फ्रॉम आईवीएन 7। राहुल जी, मैं अरुण सिंह हूं, न्यूज 18 इंडिया से। 2019 के चुनाव के लिए नैरेटिव जो सेट होना है, क्या वो आप जो ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, किसान, नौजवान, गरीब, गुरबों की बात है, या फिर वो नैरेटिव जिसकी संभावना दिखती? मैं आपको एक बयान बता रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अभी रैली में कहा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी का नाम लिया उन्होंने, हिंदुओं को आतंक से जोड़ दिया, अपमानित किया, और इसलिए वो एक मेजॉरिटी सीट छोड़ के माइनॉरिटी सीट से लड़ने जा रहे हैं वायनाड। देखिए, नैरेटिव सेट हो गया है। नैरेटिव न्याय है। नैरेटिव है कि अगर नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकता है जेब में, पॉकेट में डायरेक्ट, तो कांग्रेस पार्टी 20% गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। नैरेटिव सेट है। 72,000 गरीबों पर वार, 72,000, यह नैरेटिव है। अब इसका शॉक इफेक्ट लगा, जैसे धमाका बोलता है ना, फटता है, तो नरेंद्र मोदी जी को शॉक इफेक्ट लगा। और नरेंद्र मोदी एक के बाद एक किसी ना किसी चीज के पीछे छुप रहे हैं, मगर देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है। देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। यह सच्चाई है और यह नैरेटिव है देश में। लेट्स गो ऑन द राइट साइड, आदिश रावल फ्रॉम एबीपी। और भैया देखिए, एक बात है, चौकीदार छुप सकता है मगर भाग नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की सच्चाई
सामने है, देश के सामने है। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स दिया, किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी मिडिल साइज स्मॉल बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, आपको बताएगा हमसे पैसा छीना है, अनिल अंबानी को दिया है। सिंपल सी बात, तो ये नैरेटिव है। आदिश रावल ऑन द राइट साइड। राहुल जी, जीएसटी को लेकर काफी नुकसान छोटे बिजनेसमैन को हुआ है, उसके लिए आपके पिटारे में क्या है, आप कैसे जीएसटी को में रिफॉर्म लाएंगे? हमने कहा है कि गब्बर सिंह टैक्स को हम जीएसटी में बदलेंगे। 5 अलग अलग टैक्स हैं, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, हम एक सिंपल टैक्स देंगे, कम से कम टैक्स होगा, सरल सिंपल टैक्स होगा। ये काम कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा है, ये भी हम डिलीवर करके दे देंगे। सुप्रिया भारद्वाज फ्रॉम TV9। ओके सर। राहुल जी, TV9 भारतवर्ष से मेरा सवाल है न्याय योजना को लेकर। न्याय योजना आप लेके आए हैं, बहुत गेम चेंजर है, लेकिन बीजेपी जो है और साथ में कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये डुएबल नहीं है, कैसे करके दिखाएंगे, थोड़ा क्लैरिटी अगर इस पे आप देते हैं। बीजेपी ने कहा था कि किसान का कर्जा माफ करना डुएबल नहीं है, बीजेपी ने कहा था मनरेगा डुएबल नहीं है। मैं मानता हूं कि ये बीजेपी से डुएबल नहीं है, मगर कांग्रेस से ये डुएबल है, कांग्रेस करेगी। और देखिए, हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा झूठ है, 2 दिन में हमने कर दिया। आप हम पर भरोसा कीजिए, मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं, मैं 15 लाख नहीं बोलूंगा, मगर 72,000 साल के मैं बोलूंगा, 3,60,000 5 साल के मैं बोलूंगा, ये सच्चाई है, हम करके दे देंगे।